नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। बुरा है और मेरे कई दोस्त हैं, उनके मम्मी पापा भी हैं, मैंने अपने मदर फादर का और घर में और जो लोग रहते हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए लोगों ने मुझे बोला है। कैसे करना है समझ में नहीं आता, तो मैं बहुत आसान तरीके से बता देता हूं। अंकल मेरे बाजू में बैठे हैं, तो अपने को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये हमारे जितने भी लोग हैं वो अपने बुजुर्गों को बता सकते हैं। बहुत ही आसान है, सबसे पहले तो वेबसाइट देख लीजिए। वेबसाइट में मुश्किल से 2-3 तरीके हैं, और ये शुरू करने से पहले आपके पास दो चीज होना चाहिए। एक तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर या कोई आईडी नंबर, वोटर आईडी भी चलेगा। आपके पास ये तीन में से कोई आईडी होना चाहिए हाथ में, जिसका नंबर आपके पास हो और डेट ऑफ बर्थ आपके पास हो कि आपका जन्म की तिथि क्या है। अब अपन शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, selfregistration.covin.gov.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो अभी अपन मोबाइल नंबर डालेंगे इस पे, थोड़ा सा दूर करो, नंबर नहीं दिखना चाहिए। ये हमने नंबर डाल दिया है और इस पे आपके एक ओटीपी आएगा, ओटीपी अपने को डालना है। अब जैसे ही हमारा ओटीपी आएगा तो अपन ओटीपी डालेंगे। अब ये हमारी ओटीपी आ गई है, तो हमने इसमें ओटीपी को वेरीफाई कर दिया है। इसके लिए आपको 3 मिनट का समय मिलता है। अब हमने ओटीपी वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। अब इस पे हमको जो भी यहाँ पे मेंबर्स होंगे उनका नाम जो है यहाँ पे दिख जाएगा अपने को। अब इसमें अपन नेक्स्ट जो पर्सन जिसका अपन जिस भी व्यक्ति का अपन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनका अपन आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ये जैसे अपन आधार नंबर टाइप करेंगे, ये आधार नंबर अपन टाइप करेंगे, ठीक है। अब करने के बाद अपन पर्सन का जो भी जिनका भी अपन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनका अपन नाम डालेंगे। नाम की स्पेलिंग का ध्यान रखिए, जो नाम की स्पेलिंग जो है आधार कार्ड में है वही स्पेलिंग आपको डालनी है। अब मैंने नाम एंटर कर लिया है, इसके बाद लिंग का चुनाव कर लें, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद जो ईयर ऑफ बर्थ है, जैसे जन्म अपना 1955-56 जिसमें भी हुआ है तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ईयर ऑफ बर्थ, है ना। इसके बाद अपन ये जो ऐड का बटन है ये दबाएंगे, तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा हमको, ये शेड्यूल अपॉइंटमेंट दिखेगा हमको, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है। तो अब ये अपन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे, तो ये अपने से अपना पिन कोड पूछेगा, तो सागर का पिन कोड आप डाल दीजिए या जो भी अपना जिला है उसका पिन कोड अपन डाल के सर्च करेंगे। इसके बाद अपन डेट सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं कल की डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ 17 मार्च। अब इसमें हमको सागर में जितने अस्पताल हैं वो दिखने लगेंगे, तो अपन भाग्योदय तीर्थ है, BMC है, चमेली चौक की क्लिनिक है, जिला चिकित्सालय है, नगर निगम अस्पताल है, ये सब इतने सारे ऑप्शन अपन को दिख रहे हैं। अब इसमें जैसे मैंने BMC सागर का चुनाव कर लिया है, इसको मैं बुक करूंगा, और ये पूछ रहा है फोरनून और आफ्टरनून। तो अब इसमें अगर मुझे सुबह कराना है तो मैं फोरनून को सिलेक्ट करके और ये कन्फर्म कर दूंगा। बस अब आपका आईडी लेके जाना है और अब अपन अपना जो है वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इतना ही ये प्रोसेस है। धन्यवाद।